मैम कैसे 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 आपको थैंक यू बोलूँ। आपके सामने हाथ जोड़कर मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये जो रेकी का मेडिटेशन है ब्यूटीफुल है मैम, ब्यूटीफुल। जो जो एक्सपीरियंसेस मुझे हो रहे हैं, अंदर से फील हो रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ, इट्स मैजिकल, इट्स मैजिकल। मैं सोच भी नहीं सकती, इट्स मैजिकल। कुछ ही दिन तो हुए हैं मुझे, इट्स मैजिकल मैम, इट्स मैजिकल। आज 4 दिन हो चुके हैं और मैं इस 4 दिन के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हैं मैम, बहुत सारी। मुझे सब कुछ याद नहीं रहेगा, एक एक करके एक एक दिन का मैं शेयर करना चाहती हूँ। दो तीन चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल मैजिकल दिखी, पर इसकी डिकोडिंग मैं ठीक से कर नहीं पा रही हूँ। आप प्लीज़ मैम मुझको हेल्प कीजिए। थैंक यू मैम। और मैम फिज़िकल बॉडी की अगर बात करूँ तो बहुत अच्छी चीज़ यही है कि मेरे ना जब अवेकनिंग स्टार्ट हुई तब मुझको ना स्किन इन्फेक्शन्स हो गए थे। तब से ना स्किन इन्फेक्शन्स चल रहे हैं। मैं मेडिसिन लेती हूँ, 2-4 महीने ठीक रहते हैं, फिर हो जाते हैं। और उसके ना अभी स्किन इन्फेक्शन्स के दाग धब्बे हैं मेरे शरीर में। तो ये जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है तब तो हल्के राधे कृष्ण मैम से, तो तब से तो हल्का हल्का कर कर वो दाग धब्बे हल्के हो रहे थे, बट बहुत धीरे से। और अब जो रेकी मेडिटेशन ये कुछ दिनों से कर रही हूँ तो बहुत फास्ट ना वो दाग धब्बे ऐसे लग रहा है कि हल्का होता जा रहा है, हल्का हो भी रहा है। और मेरी स्किन भी ना बहुत सॉफ्ट स्मूथ लग रही है, मेरी स्किन जो है। और पतली तो पहले से मुझको भी लग रहा है कि मैं हुई हूँ। और ये फिज़िकल बॉडी के चेंजेस हैं मैम। और पहले तो मुझको वो सोलर प्लेक्सस चक्र तो अनबिलीवेबली घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, और अभी तो सेक्रल चक्र भी घूम रहा है पीछे से, और हार्ट चक्र तो बहुत ज़्यादा घूमता है। मुझे लग रहा था कि रूट चक्र भी अभी घूम रहा है पीछे से पीछे से। मुझको लग रहा है कि कुछ एनर्जी ना हार्ट चक्र में अटक गई थी, ऊपर उठ नहीं पा रही थी। अब वो एनर्जी पूरा महसूस होता है कि थ्रोट चक्र में पीछे से लेकर ना पूरा क्राउन चक्र में जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, सामने से भी सोलर प्लेक्सस, सेक्रल चक्र, थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा घूमता है मैम, रह रह कर स्पिन कर जाता है। और थ्रोट चक्र में जब भी करने जाती हूँ ना बहुत जैसे लगता है कि कोई खुजली हो रही है या कोई कफ आकर जमा हो गया है जो क्लियर हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। और बहुत बहुत मैजिकल एक्सपीरियंसेस है मैम, बहुत बहुत। मैं एक सच बात बताऊँ मैम, मुझको ना मेडिटेशन करना पहले ना लगता था कि पहले भी चक्र मेडिटेशन कर रही थी मैं राधा कृष्ण मैम के साथ, तो उसके पहले लगता था ना कि मेडिटेशन बहुत बोरिंग है। जब राधा कृष्ण मैम के साथ मेडिटेशन स्टार्ट किया पर धीरे धीरे ना अच्छा लगता था। पर अब जो रेकी मेडिटेशन कर रही हूँ उसका मुझे ना मैजिकल एक्सपीरियंस होने से मुझको ना बहुत बहुत इच्छा होती है, आनंद आती है। जब भी मेडिटेशन की बात करती हूँ मुझको ना एक अलग एनर्जी आ जाती है कि मेडिटेशन में जाऊँ, मेडिटेशन में जाऊँ, पापा को देख पाऊँगी, ईश्वर को देख पाऊँगी, सबके साथ बात हो पाएगी। और आज एंजल से भी बात हो रही है, वो लोग ना वो छोटे छोटे एंजल्स मुझसे बात कर रहे थे। और जो मैं मेडिटेशन में दिख रही हूँ ना सामने भी दिखने लगी हूँ, सफ़ेद मोर दिख रही हूँ, और वो छोटे एंजल्स की तस्वीर दिख रही हूँ जो मैं अभी देख रही हूँ मेडिटेशन में। तो जो भी सोच रही हूँ देख रही हूँ वो सामने से हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि मैम ना एक बात बोलूँ, मैं तो अनमैरिड हूँ, मुझको पता नहीं कि जब प्रेग्नेंट होते हैं तब कैसा फील होता है। पर प्रेगनेंसी में मेरी मॉम से मैंने सुना है कि जब बेबी अंदर बढ़ जाता है ना तब पूरा महसूस होता है कि बेबी हाथ हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, मुंडी इधर से इधर कर रहा है। तो पेट का वो सीन पूरा मैंने ना इमेजिन कर लिया। कि ये एग्जांपल दे रही हूँ इसलिए कि मेरे राइट साइड में जो मेरे हस्बैंड की सोल है, मेरे हस्बैंड की सोल पूरी वो ही मुझको ना महसूस हो रहा है कि वो
जो वो अपना सर ऐसा ऐसा कर रहा है, हिला रहा है, वो सोल अपना हाथ हिला रहा है, वो सोल अपना पैर हिला रहा है, सोल की सोल जैसा वो होता है ना पेट में बच्चा जब हिल रहा होता है जैसा फील होता है, बिल्कुल वैसा मेरा राइट साइड में फील हो रहा है। कभी कभी मेरा डीएम का सोल मेडिटेशन में मेरे लेफ्ट साइड भी चले आ रहा है, मेरे सोल राइट साइड में चली जा रही है। क्या बोलूँ मैम, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ।